हेलो एवरीवन, तो 81st क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन हमारा है इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज कैसा बनता है? ठीक है, देखिए ये वर्चुअल बनेगा, ये मैग्नीफाइड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। तो देखिए, पहली बात तो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें मतलब खगोलीय जो पिंड होते हैं, जो हमें यहाँ से छोटे तो दिखते हैं, तारे इतने छोटे थोड़ी ना, जितना छोटे दिखते हैं, डिस्टेंस पे हैं तो छोटे दिखते हैं, तो उनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैग्नीफाइड, ऑब्वियसली बात है कि मैग्नीफाइड नहीं रहेगा तो हम कैसे विजिबिलिटी देख पाएंगे, तो मैग्नीफाइड तो आप सही कर लेंगे, हो सकता है वर्चुअल भी कर लें, लेकिन इन्वर्टेड होता है ये इमेज। मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो दो तरीके के कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है आपका, ये कॉनकेव आपका ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में क्या होता है, बीच में जो है पार्ट थिनर होता है, आउटर जो है स्वेलन होता है। कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, तो ऐसे ही दो कॉन्केव लेंसेज होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन आई है ये, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो क्या देखेगा, वो जो है मैग्नीफाइड देखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड देखेगा और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया। देख लीजिए, फाइनल इमेज फॉर्म बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर, पैरेलल मिरर। अब देखिए, दो पैरेलल मिरर है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल मिरर के बीच में अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रख दिया गया है, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज बनेगा, बहुत सारे इमेज बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी मूवी में देखे होंगे, पुरानी कोई मूवी थी, कोई मूवी है, उसमें क्या है कि जो एक्टर है उसको उसके दो पैरेलल मिरर्स के बीच में वहाँ पे उसको प्लेस किया जाता है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट, बहुत सारी इमेज बन जाती है, बहुत सारी इमेज बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से, तो मूवी वगैरह में आप जो है बेसिकली देखते होंगे, तो इस तरीके से दो ये कैसा बनता है, वो वही दो पैरेलल मिरर के बीच में वो इमेज रख के बन जाता है। ठीक है ना, तो जब आप याद रखिएगा, दो पैरेलल मिरर के बीच में जब कोई इमेज बनती है तो क्या होता है, वो इनफाइनाइट बनती है। ठीक है, इनफाइनाइट इमेज बनती है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल मिरर्स, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, ईच इमेज विल बी रिजल्ट ऑफ एन इमेज। ठीक है, सारा इमेज जो है, ईच इमेज विल बी द रिजल्ट ऑफ एन इमेज, एक इमेज का जो रिजल्ट होता है सारा इमेज। व्हेन टू पैरेलल मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 0 degree, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन देम कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, हम जो है 360 बाई थीटा इंटू -1 वो हम कर देंगे, तो हमें जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। अब इसमें आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो इमेज है वो कितने इमेज बनेंगे, दो पैरेलल के बीच में अगर हम कोई इमेज जो है रख रहे हैं तो इमेज कितने बनेंगे, तो इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ़ अ पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर। सेम क्वेश्चन है, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसको ना एक्सप्लेन करके, आपको फिगर्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करके समझाया जा सकता है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन पे ही जो है करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर बोर्ड वगैरह पे इसको समझाया जा सके। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे, अभी फिलहाल जो जो अभी ज़्यादा नेसेसरी है वो चीज़ें हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके ये जो घटना चक्र के हैं ये सारा कुछ इसमें कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, इसके साथ में कुछ क्वेश्चन और जिस तरीके से एडिशनल आते हैं एग्जाम में आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे करा दूंगी। ठीक है, व्हेन एन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ, देखिए अगर मिरर को हम रोटेट कर देते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय, तो देखिए रिफ्लेक्टेड बे जो रे है आपका वो 2 times जो है रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है हम इसी जो है एंगल को सपोज करिए, एंगल को हम 5 degree पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, रोटेट कर देते हैं, तो 10 degree पे वो रोटेट हो जाएगी, 2 times रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इफ़ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, कोई भी एंगल, सर्टेन एंगल पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू 2 times ऑफ दैट एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल आप 10 degree ले जाए तो 20 degree पे रोटेट हो जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, असेसन है एंड रीजन है, स्मॉल ग्लास ब्लेड्स
हाँ देखिए इसमें लिखा है स्मॉल ग्लास बीट फिक्स्ड ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन द लाइट्स फॉल अपॉन देम। ठीक है, जो ग्लास है उसकी बीट्स अगर हम फिक्स कर देते हैं कहाँ पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, तो बहुत तेज चमकती है उस पर जब लाइट पड़ती है। रीजन क्या है, लाइट इज टोटली राइट, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेड अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, बिल्कुल सही, हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका लाइट क्या होता है, जो लाइट जो इंसिडेंट लाइट होता है, जो आपतित जो है किरण होता है, जो रे होता है, वो क्या करता है एक्सीड्स सर्टेन क्रिटिकल एंगल, सर्टेन जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा एक्सीड कर, वही चीज़ जो है रेगिस्तान में भी होता है जब मिराज बनता है। ठीक है, तो एक्सीड्स सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम में आ रही है, अब वो जो है डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो जो है हमें ब्राइट दिखती है, शाइनिंग करती हुई दिखती है। ठीक है, अब इसी में है व्हेन लाइट ट्रेवलिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, डेंसर मीडियम लाइट क्या कर रही है, लाइट ट्रेवलिंग अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देन द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड एंड द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हियर स्मॉल ग्लास बीट्स आर डेंसर मीडियम so due to the phenomena of the total internal reflection the traffic signal glow brightly। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज़ें हमने कवर की, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर आपको सुना होगा ध्यान से तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स। ठीक है, लाइट के जो है सात कलर्स होते हैं, सेवन कलर से मिलकर बना होता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा मेथड है, तो देखिए द कलर कैन बी सेपरेटेड बाई द प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से हम कलर को सेपरेट कर सकते हैं, एक प्रिज्म हम लगा दें। ठीक है, एक प्रिज्म लगा दें तो हम जो है कलर को सेपरेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक प्रिज्म लगा देते हैं अगर। ठीक है, ऐसे प्रिज्म लगा लेते हैं तो जब रेज आएगी तो वो सेपरेट होकर इधर जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सेपरेट हो जाएगी। देखिए, कलर्स कुड बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ प्रिज्म। ठीक है, कलर्स सेपरेट कर सकते हैं प्रिज्म का यूज करके, कैसे, वाइट कलर इज मेड अप ऑफ ऑल द सेवन कलर्स, कलर होता है ना उसमें सारे जो है सेवन कलर्स होते हैं। व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, तो जब हम प्रिज्म से उसको पास करते हैं तो वेवलेंथ तो अलग अलग होती है सबकी, तो वेवलेंथ अलग होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो में करेक्ट ऑर्डर क्या है, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो। अब इसको पूरा देख लेते हैं। देखिए, वेबग्योर आपको याद है तो आपको जो है ये चीज़ें बहुत इजीली जो है कंफर्म हो जाएंगी। वेबग्योर मुझे लगता है कि सबको याद होगा, ये सात कलर्स होते हैं हमारे। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये याद हो गया तो आपने सीक्वेंस बना लिया। ठीक है, अब देखिए, रेनबो इज अ मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना दैट इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, रेनबो क्या होता है आपका मेट्रोलॉजिकल, हाँ देखिए इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन, तीन चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसकी वजह से इस तरीके की जो एक जो है कहते हैं ना कि रेनबो बना हुआ है, देखते हैं आप कभी, ये किस लिए बनता है, जो बादल हमारा जो बादल होता है उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनकी हेल्प से डस्ट पार्टिकल से वाटर ड्रॉपलेट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस पर जब वो जो है रेज गिरती हैं रिफ्लेक्ट होती है और तब ये कलर बन जाता है। ठीक है, मेनली कब बनता है, जब ऐसा मौसम होता है कभी कि बारिश हुई होती होती है, बारिश होने के बाद ये रेनबो बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, हाँ तो देखिए इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन इन वाटर ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपीयरिंग इन द स्काई। ठीक है, अब करेक्ट ऑर्डर अगर देखना है तो हमें, अभी हमने देखा था वायलेट आपका और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, वेब ग्योर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेनबो इज
produced when sunlight falls on the droplets of rain, which of the following physical phenomena are responsible? तो dispersion भी होता है, refraction भी होता है और internal जो आपका reflection, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों phenomena होता है, इस वजह से ये होता है, ठीक है? The appearance of rainbow involves all the ever function that are reflection, refraction, dispersion and total inter-reflection. ठीक है, total inter-reflection. ये सारी चीज़ें होती हैं. When sunlight hits a raindrop, then the depending on the angle, some of the light is reflected from the surface. ठीक है, तो एंगल क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस से और वो रेनबो क्रिएट कर देती है. ठीक है, रेनबो क्रिएट कर देती है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया था. नेक्स्ट हमारा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सीन इन द मिडिल ऑफ रेनबो. ठीक है, बीच में कौन सा कलर दिख सकता है, तो आपको ये बना लीजिए वेब ग्योर. तो देख लीजिए, 3 इधर कर दीजिए, VIB और YOR, बचता है कौन सा, ग्रीन, तो ग्रीन होगा. ठीक है, सिंपल है, ग्रीन कलर हो जाएगा. अब देखिए, पूछते हैं बीच में कौन सा जो है कलर बनेगा, तो 7 है तो ग्रीन बन जाएगा. ठीक है, देखिए, द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो आर, ठीक है, कौन सा है, वायलेट एंड रेड. सबसे जो है टर्मिनल कलर, अब इसी में देख लीजिए, ये जो सबसे साइड में है ये वायलेट बनेगा और इधर साइड में रेड है. तो ये आपको वेब के ऑर्डर का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके. ठीक है, अब इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, किस डायरेक्शन में दिखेगा, तो इट कैन बी, इट कांट बी सीन. ठीक है, 12 नून की बात कर रहे हैं, रेनबो जो है, इन विच डायरेक्शन रेनबो इज सीन एट 12 नून. देखिए, रेनबो इज लोकेटेड अपोजिट द सन, अब सन के अपोजिट पे रेनबो होगा. ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई द रेनबो इज नॉट सीन एट 12 नून. ठीक है, 12 नून विद द सन ओवरहेड. सन क्या होता है, 12 बजे सन ओवरहेड होता है, ऊपर ही होता है सर के. ठीक है, ओवरहेड हेड होगा, इसलिए जो है रेनबो नहीं बनेगा. 12 बजे आप कभी रेनबो बनता हुआ नहीं देखते होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. अब ये सब ओवरहेड कहाँ पे है, क्या पोजीशन है, ये सब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा. अगर ये बहुत ईजी है, 6th क्लास की NCERT में है ये सारी चीज़ें. ठीक है, असलसिन और रीज़न क्या है, देखिए, स्टिक इज डिप्ड इन द वाटर इन अ स्लैंटिंग पोजीशन. एक स्टिक को स्लैंटिंग, मतलब सीधा हमने नहीं किया. ठीक है, एक स्टिक है, मान लीजिए बकेट है, वाटर है, तो स्टिक को हमने क्या किया, इस तरीके से जो है प्लेस किया. अब यहाँ पे बन नहीं रहा. ठीक है, एक स्टिक को जो है हमने स्लैंटिंग ऐसे इस पोजीशन में प्लेस किया, ना कि हमने सीधा प्लेस किया. तो इस तरीके से प्लेस किया है स्टिक को हमने. ठीक है, इफ ऑब्जर्व्ड साइडवेज द स्टिक अपीयर शॉर्ट एंड बेंट एट द सर्फेस ऑफ द वाटर. क्या दिखता है हमें, अब जो स्टिक है ये लंबी सी, ठीक है ना, ये हमें बाहर से अगर हम यहाँ से व्यू कर रहे हैं, सोचिए अगर सपोज करिए हम यहाँ से, ये ह्यूमन आई है, यहाँ से हम व्यू कर रहे हैं, तो स्टिक जो है हमें थोड़ी सी छोटी दिखेगी ये और थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी. सपोज करिए आप जो चीज़ कहा जा रहा है उसको इमेजिन करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक पानी का समझ लीजिए बकेट है या आप पॉन्ड में डाल देते हैं स्टिक, तो स्टिक आप थोड़ी सी बेंड दिखेगी और जो है क्या दिखेगी, छोटी दिखेगी. ठीक है, अगर हम साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इफ इफ ऑब्जर्व साइड वेज द स्टिक अपीयर शॉर्ट एंड बेंड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर. ठीक है, रीजन दिया हुआ है, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोज स्कैटरिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स गिविंग अ स्टिक अ शॉर्ट एंड बेंड अपीयरेंस. ठीक है, जो लाइट है, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक, जो स्टिक से लाइट हमें आ रही है, अंडरगोज स्कैटरिंग. ठीक है, स्कैटर हो जा रहा है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो लाइट स्टिक से आ रही थी उधर से, जो रेज थी वो जो है स्कैटर हो जा रही है वाटर मॉलिक्यूल से, और स्टिक हमें छोटी और जो है कैसे दिख रही है, छोटी दिख रही है अपीयरेंस में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसका हम पढ़ लेते हैं. तो ये जो है, देखिए, ए जो है सही है, लेकिन आर जो है हमारा गलत हो जा रहा है. देखिए, रीजन क्या है, व्हेन अ स्टिक इज डिप्ड इन अ वाटर इन अ स्लैंटिंग पोजिशन इट अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंट एट द सर्फेस, इट इज कॉज्ड बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है. व्हेन यू इमर्स अ स्टिक इन अ वाटर यू आर एक्चुअली पुटिंग इट फ्रॉम द रेयर एयर टू डेंसर मीडियम. ठीक है, रेयर एयर मतलब कहाँ, एयर में थी पहले वो, तो रेयर एयर मीडियम में थी, अभी हमने क्या कर दिया, उसको हम पानी में डाल दिया, हमने डेंसर मीडियम में डाल दिया, रेयर एयर टू डेंसर मीडियम में कर दिया हमने. व्हेन द रेज ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द रेयर एयर टू डेंसर मीडियम दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल जो है
की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो स्टिक होती है वो बेंड और शॉर्ट दिखाई देती है, हमें पानी में डूबी हुई बेंड और शॉर्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो लाइट पास होती है रेयरर टू डेंसर मीडियम में, मतलब वाटर आपका हवा से पानी में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो है जो रेज होंगी उनकी जो आपका जो मीडियम होगा है ना, दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ मूव करती है। और इसलिए हमें जो है ये चीज इस तरीके से दिखेगी, छोटी और जो है आपका शॉर्ट और बेंड दिखेगा, कुछ स्टिक जो है बेंड और शॉर्ट दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है, इफ अ पर्सन लुक्स एट अ कॉइन विच इज इन अ बकेट ऑफ वाटर द कॉइन अपीयर्स टू बी क्लोजर देन इट रियली इज। जैसे मान लीजिए कि एक बकेट है वाटर का और एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल बेस पे, समझ लीजिए यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, बेस पे है कॉइन, ठीक है, लेकिन दिखेगी आपको यहाँ पे, लेकिन है एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन दिख आपको यहाँ रही है। तो क्या होता है कि जब इंडिविजुअल बकेट में देखता है कॉइन बिल्कुल नीचे है, तली पे है, लेकिन अब कॉइन उसमें जो है फ्लोट तो करेगी नहीं, तली पे रहेगी, और जब हम देखते हैं तो हमें जो है थोड़ी ऊपर दिखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफ अ पर्सन अंडर वाटर लुक्स एट अ कॉइन अबव द वाटर सरफेस द कॉइन विल अपीयर टू बी द हायर लेवल देन इट रियली इज, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन वाटर में है, ठीक है, पानी में है, ठीक है, और फिर वो कॉइन को देखता है, वो कॉइन थोड़ी सी ऊपर दिखती है, जितना कि वो ऊपर है नहीं, दिखती ऐसा है। तो अब हमें क्या है, सही उत्तर हमारा दोनों ही है, ए एंड बी। अगर वो पानी के बाहर से देखता है, कॉइन अंदर बकेट में है, तो उसे कैसा दिखेगा कॉइन, कॉइन उसको दिखेगा थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली अबव दिखेगा, है वो बिल्कुल बॉटम में लेकिन दिखेगा ऊपर, ठीक है। नीचे अंदर पानी से देखता है कॉइन ऊपर को, तो कॉइन जो है क्या दिखती है, कॉइन दिखती है थोड़ी सी ऊपर, ठीक है वो नीचे लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर दिखती है, ठीक है। तो ये जो है क्या रीजन है इसका, देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि तो कॉइन विल अपीयर टू बी द क्लोजर एट द क्लोजर देन इट रियली इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। इन दिस केस द रे दैट कमिंग टू द आईज इन ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम से वाटर से रेयरर मीडियम कहाँ पे आती है, रेयरर मीडियम में, क्योंकि आंख तो हमारी रेयरर मीडियम में है ना, हम देख रहे हैं, और वाटर जो है कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से, वाटर से जो है रेयरर मीडियम एयर में आ रही है, ठीक है। कमिंग, देखिए फिर से देख लीजिए, इस केस में क्या होता है कि रेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द आईज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम वाटर टू रेयरर मीडियम एयर, ठीक है, वाटर से जो है डेंसर से रेयरर में आ रही है। स्टेटमेंट टू में क्या है, ये भी सही है, इफ द पर्सन अंडर वाटर लुक्स अ कॉइन अबव द सर्फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर टू बी हायर एट द लेवल इट इज रियली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट दिस केस द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम। एक केस में रेयरर टू डेंसर मीडियम, एक केस में डेंसर टू रेयरर मीडियम, दोनों ही केस में आपका कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा कि ऊपर थोड़ा सा है, जो पोजीशन है उससे थोड़ा एक्चुअली ऊपर दिखेगा वो, ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, दोनों ही चीज़ें रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं, ठीक है, थीके? जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसी की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एन एयर बबल इन द वाटर विल एक्ट लाइक, ठीक है, एयर बबल जो वाटर में है वो कैसा दिखेगा, वो कॉनकेव लेंस की तरह दिखेगा, ठीक है, एयर बबल इन वाटर लुक लाइक कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए एयर बबल इन वाटर हुज सर्फेस इज कॉनकेव विल एक्ट लाइक द कॉनकेव मिरर, ठीक है, उसका सर्फेस कॉनकेव है और वो कॉनकेव मिरर की तरह यानी डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर डाइवर्जेंट लेंस की तरह फंक्शन करता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन द एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है, ठीक है, किसका होता है, वाटर का, वो एयर से ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये भी याद रखिएगा, ये ऐसे ही जो है आपका पूरा तथ्य ही ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है एयर से, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या होता है, स्टार्टिंग वाले क्लासेस में हमने यही देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसका कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर का ज़्यादा होगा एयर से। दस द नेचर ऑफ लेंस ऑफ सबमर्ज्ड वाटर बबल इज चेंज्ड, ठीक है। अब देखिए एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव्स एज, अभी हमने देखा ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट क्यों, क्योंकि देखिए
ये जो आपका है वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह यूज जो है एक्ट करेगा, और कॉनकेव मिरर डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता है. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर आ जाए या डाइवर्जेंट आ जाए, दोनों ही सही है आपका, दोनों ही कोई भी ऑप्शन आ सकता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे वो. अब देखिए इसमें कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट कॉन्वेक्स के केस में होगा, किसके कॉन्वेक्स के केस में होगा, डाइवर्जेंट जो होगा वो कॉनकेव के होगा. तो एयर जो एयर बबल है एंड एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव्स कैसे कैसे बिहेव करेगा, वो डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर. ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू. ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एक प्लेन जो इमेज है उसकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए अगर हमें किसी की पूरी इमेज देखनी है. जैसे ड्रेसिंग टेबल होता है घर में, तो ड्रेसिंग टेबल में की जो है आपका उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ड्रेसिंग टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे जो इंसान का इमेज है वो पूरी तरीके से दिख सके. तो कितनी होनी चाहिए, तो ये देखिए आपकी ये होनी चाहिए हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन. अगर पर्सन के हाइट की हाफ होगी तो वो जो है पूरी इमेज दिखा देगी. ठीक है, इंडिविजुअल की. एंड मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर, मिरर टू इनेबल अ पर्सन टू सी फुल इमेज इज 1/2. ठीक है, 1/2 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ टॉप अ पर्सन एंड रीचेज हिज आईज, देन ही इज एबल टू सी द क्लियर इमेज. ठीक है, कैसे, जब कोई लाइट होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अ पर्सन. ठीक है, और वो जब उसकी आंख तक पहुंचती है तो जो इमेज है वो क्लियरली वो देख पाता है. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज. ठीक है, रेडियस क्या होता है कर्वेचर का, ये इन्फिनिटी होता है. ठीक है, रेडियस जो होता है ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है. ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो है इसको हम अगर एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे तो वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा, और वो हम जब NCERT कवर करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं. ठीक है, अभी आप जो है जितना समझ में आ रहा है आप इतना समझ लीजिए कि आप एग्जाम में टिक करके आ जाइए एटलीस्ट. ठीक है, एज वी नो दैट द रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, और इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी में से आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. एज वी नो दैट द रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर फॉर्म्स एट द सेम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, तो ये आपका जो है आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आ जाएगा इन्फिनाइट आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट इज 1.05 मीटर शैल बी. देखिए हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, अभी हमने देखा था 1/2 होता है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा. तो देखिए मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर, हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम मिरर की, तो जितनी इमेज है हाइट है इंडिविजुअल की उसकी हाफ होनी चाहिए. तो कितना होना चाहिए, इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्स इज हाफ ऑफ अ पर्सन हाइट. ठीक है, तो उसका जितना है, जैसे मान लीजिए 1.50 मीटर दिया हुआ, उसी का हाफ कर दीजिए तो 0.75 मीटर हो जाएगा. टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेस. ठीक है ना, तो ये कौन सा मिरर यूज होगा, तो ये आपका कॉनकेव लेंस यूज होगा. ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज होगा. ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस है उसको जो है हमें डिफेक्ट है उसको हमें क्योर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं. ठीक है, देखिए फार साइटेडनेस इसको कहते हैं हाइपरओपिया. ठीक है ना, हाइपरओपिया इट इज medically termed as a vision condition in which the distant objects are usually seen clearly. ठीक है, जो दूर की चीज़ें हैं वो हम far sightedness में हम दूर की चीज़ें जो है बहुत सही से देख सकते हैं, but close ones does not come into the proper focus. ठीक है, तो hyperopia में क्या होता है, इसमें जो है दूर की चीज़ें हमें clearly visible होती हैं, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वो हमें, इसको हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं. लिखा तो है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं हमें, पास की चीज़ों पे फोकस नहीं हो पाता है, उल्टा होता है इसमें. तो उसमें क्या होता है कि इसके लिए हमें एक लेंस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पास की चीज़ें हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते.
बट द क्लोज वंस डज नॉट कम इन अ प्रॉपर फोकस टू रिमूव दिस विजन प्रॉब्लम वन शुड यूज द कॉन्वेक्स लेंस. याद कर लीजिएगा, फोर साइटेडनेस है या दूर दृष्टि है या हाइपरोपिया है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. ठीक है, उस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपर मेट्रोपिया. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया. तो कौन सा जो है सही नहीं है, तो देखिए सही कौन सा नहीं है, अ कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. ठीक है, अब देखिए, फॉर साइटेडनेस या हाइपरोपिया इज कॉमन विजन प्रॉब्लम अफेक्टिंग अबाउट अ फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है. दूर की तो चीज़ें दिखती हैं, क्लोज जो है जब बुक पढ़नी होगी तो प्रॉब्लम होने लगती है, बुक नहीं जो है क्लियर दिखता है. तो पीपल विद द हाइपरोपिया कैन बी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी वेल बट हैव डिफिकल्टी ऑन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट्स दैट इज आर दैट आर क्लोज. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. अब यहाँ पे क्या है, हाँ देखिए, प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन द लाइट रेज एंटरिंग द आईज फोकसेस बिहाइंड द रेटिना रेदर देन डायरेक्ट ऑन इट. तो जो लाइट रेज होती हैं वो जब आती हैं, लाइट रेज आईज में एंटर करती हैं तो वो फोकस कहाँ करती है, रेटिना के पीछे फोकस करने लगती हैं रेदर डायरेक्टिंग ऑन इट. रेटिना पे नहीं करती, रेटिना के पीछे फोकस करती हैं. द आईबॉल ऑफ जो आईबॉल होती है ऑफ अ पर्सन इज शॉर्टर देन नॉर्मल. ठीक है ना, द कॉनकेव लेंसेज, ये जो है कॉनकेव लेंस हम सॉरी कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो हम जो है यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, देख लीजिएगा यहाँ पे. हाँ, तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस है, कौन सा ट्रू नहीं है. ठीक है, तो ट्रू यही नहीं कि कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस नहीं, हम कॉन्वेक्स लेंस इस केस में यूज करेंगे जब पर्सन जो है हाइपर मेट्रोपिया से प्रॉब्लम में है वो. ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया जब उसको. अब नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू मिनिमाइज मायोपिया. मायोपिया को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा लेंस होता है, तो ये होता है सिलेंड्रिकल लेंस होता है, सॉरी ये आपका कॉनकेव लेंस होता है, ये मैंने गलत बोल दिया, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है. ठीक है, मायोपिया को जो है हम अगर मिनिमाइज करेंगे तो जो है हमें कॉनकेव लेंस, अभी हमने डिस्कस भी किया है इसको. मायोपिक आइज कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कौन सा, कॉनकेव लेंस. मायोपिक आइज जो है कॉनकेव लेंस से हम कर सकते हैं. देखिए मायोपिया और नियर साइटेडनेस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हम कॉनवेक्स लेंस का यूज करेंगे. ठीक है, कॉनवेक्स लेंस का जो है हम यूज करेंगे. ठीक है, उत्तल लेंस बोलते हैं हिंदी में, तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे अगर दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए. अगर निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम, यानी कि निकट नजदीक की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की नहीं दिख रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है अवतल लेंस का यानी कि कॉनवेक्स लेंस का यूज करेंगे, सॉरी कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे. ठीक है, कॉनवेक्स लेंस का कहाँ पे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में करेंगे जो हमें दूर दृष्टि होते हैं, यानी कि जो है हमें दूर की चीज़ें नहीं क्लियर दिख रही हैं. दूर की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या होता है कि अगर हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं तो उस केस को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, लेकिन हमें नज़दीक की चीज़ें दिखती नहीं है. ठीक है, तो जब नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं तो हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, हम जो है कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे, उसको हम उत्तल बोलते हैं. ठीक है, अब दूसरा केस ये है कि मायोपिया, उसमें हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिख जाती है, हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, हमें निकट की चीज़ नहीं दिखती, तो हम अवतल लेंस का यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब देख लेते हैं, मायोपिया और नियर साइटेडनेस इज अ रिफ्रेक्टिव एरर विच मीन्स दैट द आई डज नॉट बेंड और रिफ्लेक्ट लाइट प्रॉपरली टू अ सिंगल फोकस टू सी द इमेज क्लियरली. इन मायोपिया क्लोज ऑब्जेक्ट्स लुक क्लियर बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर. ठीक है, जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखती नहीं. इट इज़ करेक्टेड यूजिंग द कॉनकेव लेंस. ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को किसकी होती है, दूर फार साइटेडनेस की होती है. दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें दिक्कत होती है देखने में. फॉर द मायोपिक आइज कौन सा हम लेंस यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ये वाला लेंस यूज करेंगे, ये वाला. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ पर्सन एंटर्स इनटू अ डार्क रूम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट एरिया ही डज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर सम टाइम, लेटर ही ग्रेजुअली बिगिंस टू सी द थिंग्स. क्यों होता है, बाहर से धूप में आइए आप अंदर घर में, तो हमें जो है चीज़ें बहुत जो है पहले में तो बहुत कम दिखती हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी आईज एडजस्ट हो जाती है, वो देखने लग जाती है. रीज़न क्या है उसका, तो रीज़न ये है आपका डी. ठीक है, डी क्या है,
आईज बिकेम फेमिलियर विद द डार्कनेस इन द कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है, वो हमारी आईज एडजस्ट कर लेती है कुछ टाइम बाद. वी माइट हैव एक्सपीरियंस दैट दैट वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर सम टाइम वेन एंटर फ्रॉम द ब्राइट लाइट टू रूम विद डार्क डिम लाइट. But after some time, however, we may able to see the things in a dim room. क्यों? क्योंकि it is because our eyes becomes familiar with the darkness in the course of time. ठीक है, थोड़ा सा टाइम बीतता है तो हमारी आईज अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं. ये प्यूपिल का कमाल होता है जो आईज में होती है, तो वो हम कभी देखेंगे जब पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा है रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंसेज. तो रीडिंग ग्लासेस होती हैं वो कौन सी, कौन वेक्स लेंस से. ठीक है, कॉन्वेक्स हमने बताया था. रीडिंग ग्लासेस पढ़ कोई रीडिंग ग्लासेस का यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको निकट वाली प्रॉब्लम है ना, निकट की जो है चीज दिख नहीं रही है और दूर की दिख रही है, उसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि. इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, फोर साइडेडनेस कहते हैं. और उस केस में कौन सा लेंस यूज करते हैं, उसको केस में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. ठीक है, उत्तल लेंस यूज करते हैं. तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड द थिनर एट द एजेस. देखिए ऐसे ऐसे होता है. ठीक है, मिडिल में जो है क्या होता है, देखिए मोटा है और आपका साइड में जो है पतला होता है. ठीक है, तो थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस. रेज ऑफ द लाइट दैट पासेस थ्रू द लेंस आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर. ठीक है, द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग कहते हैं और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग कहते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज. अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो यूज इन रीडिंग ग्लासेज, दैट इज इट ऑल्सो यूज टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ फोर साइटेडनेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द फोकसिंग इन द ऑब्जेक्ट. द फोकसिंग इन द आई, सॉरी, फोकसिंग इन एन आई इज डन बाई. तो आईज में जो फोकस कराना तो कैसे करते हैं, चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्सिटी जो है लेंस की हम चेंज कर दें तो हम फोकस कर पाएंगे. देखिए, रिफ्रैक्टिव और ब्लेंडिंग पावर, रिफ्लेक्टिव और ब्लेंडिंग पावर ऑफ ए हमारे जो आईज की, ह्यूमन आईज होती हैं. ठीक है ना, देखिए रिफ्लेक्टिव और ब्लेंडिंग पावर ऑफ ह्यूमन आई यानी कि जो है कॉर्निया एंड द ह्यूमर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है ना, ये हमारे आईज का पार्ट होता है, ये हम देखेंगे कभी. हाउ एवर दैट द लेंस कैन बी चेंज बाई चेंजिंग इट्स शेप. ठीक है, शेप को चेंज करेंगे तो लेंस जो है हमारा उत्तल और अवतल लेंस उसी पे तो बना हुआ है. दैट इज बाय मेकिंग इट मोर और लेस कॉन्वेक्स. ठीक है, सो दैट लाइट कैन प्रॉपरली फोकस ऑन रेटिना. द ग्रेटर द लेंस कॉन्वेक्सिटी और द बल्ज द मोर बेंड्स जो लाइट होगी, द बल्ज द मोर बेंड्स द लाइट. जितनी ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी होगी, द ग्रेटर द लेंस कॉन्वेक्सिटी, जितनी ज़्यादा कॉन्वेक्स होगी उतनी ही लाइट जो है ब्लेंड हो पाएगी. बेंड होगी तो जो है हमें हमारा आईज पर फोकस करा देगी और हमें जो है चीज़ें क्लियरली विजिबल होने लगेंगी. द फ्लैटर द लेंस, जितना ही फ्लैट होगा, पतला होगा लेंस, द लेस द ब्लेंड दैट लाइट. ठीक है, तो उतना ही अब जिसकी आंखों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग लेंस बनता है. इसीलिए टेस्ट कराया जाता है और लेंस उसी के अकॉर्डिंग बनवाया जाता है. ठीक है, तो वो जो है उतना ही जो है लाइट को लेस ब्लेंड करेगी जितना ही फ्लैटर होगा लेंस. ठीक है, चपटा होगा. Which one of the following statement is not correct? कौन सा सही नहीं है ये बताना है. देखिए, mirage is an optical illusion arising due to the total internal reflection of the light. अभी हमने इसको डिस्कस किया था, नॉट करेक्ट पूछा है तो कौन सा करेक्ट नहीं है. कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर आर यूज इन सर्च लाइट्स. ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है वो सर्च लाइट्स में यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इन समर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड टू डार्क कलर्ड क्लॉथ्स जनरली. ठीक है, बिल्कुल ये भी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर विद अ स्मॉल अपर्चर इज यूज बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन ईयर नोज और थ्रोट ऑफ अ पेशेंट. तो कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है और दूसरा स्मॉल अपर्चर कह रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है. देखिए हेड मिरर इज मोस्टली यूज बाय डॉक्टर्स. ठीक है, हेड मिरर का यूज करते हैं डॉक्टर्स फॉर द एग्जामिनिंग ऑफ द ईयर नोज एंड थ्रोट. इट कंप्राइजेज अ सर्कुलर कॉनकेव मिरर. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर. तो ये जो हेड मिरर होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलर कॉनकेव होता है, ना कि कॉन्वेक्स होता है. ठीक है, डॉक्टर कौन सा यूज करते हैं, डॉक्टर ये वाला यूज करते हैं, ऐसा मिरर होता है, बीच में पतला. और कभी आप देखेंगे जाके आईज वगैरह कभी टेस्ट करानी हो, जो है आपका ईयर वगैरह या नोज वगैरह, तो उसमें क्या होता है, वो जो लेंस होगा आप ध्यान से देखिएगा उसको, वो लेंस कैसा होगा, वो कॉनकेव होगा, बीच में पतला और जो साइड वाला जो होता है वो जो है मोटा होगा. ठीक है ना, विद अ स्मॉल होल इन द मिडल एंड इज अटैच्ड टू अ हेड बैंड. तो इसको जो है हम, ये हमारा गलत हो जाता है, 4D वाला. द मिरर विच इज यूज इन सर्च लाइट, इस सर्च लाइट में जो मिरर यूज करते हैं वो हमारा
कॉनकेव मिरर होता है, और यही आंसर एक क्वेश्चन भी था, देखिए कॉनकेव मिरर आर यूज इन सर्च लाइट, तो ये सही हो जाता है हमारा। देखते हैं, देखिए कॉनकेव मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार। कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर जो है हम हेडलाइट्स में यूज करते हैं कार के, है ना, और कहाँ पे? सर्च लाइट्स में यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कार में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें जो मेंस होते हैं उनको अगर ये बनानी होती है, अपनी शेविंग करनी होती है, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में हमें जो है बहुत दूर की चीज़ें दिखती हैं, सारी चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन अगर हमें फोकस करना होगा तो हमें जो है कौन सा मिरर चाहिए, हमें फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। ठीक है, अ लाइट प्लेस्ड प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म अ पैरेलल बीम एंड यूज्ड इन अ कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन इज। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन इज, ठीक है, कितना सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस और कोई डिस्टेंट विजन का, तो ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनी वेयर फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट किसको कहते हैं, कि जब कोई चीज़ व्हेन एनी देखिए इसमें क्या होता है कि कोई इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ऑन द आई इफ द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनी वेयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट दैट इज नियर पॉइंट। ठीक है, उसके बीच में कहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई टू हैव इट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजिट। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज़ रखी रहती है जिसमें जिसमें हम चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियरली व्यू कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूर पे तो हम चीज़ें क्लियरली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन, उसको एकदम बिल्कुल पास ले आओ, 25 सेंटीमीटर से भी अब ले आओ, अपनी आप हथेली अपनी लाके देखो, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर से भी और कम लाओ, वो आपको क्लियरली व्यू नहीं होगी। और जो जो है 25 सेंटीमीटर तक होता है उसी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आईज एंड डोनेटेड बाई द डी। ठीक है ना, तो ये डिनोटेड बाई द डी। ठीक है, इसको डी से हम डिनोट करते हैं, जो हमारा 25 सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं डिस्टेंट विजन, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। द फॉर द नॉर्मल आईज व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ क्लियर विजन। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, वो आपका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस टू क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, फिर ये 25 सेंटीमीटर। द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से होता है, ये जो होता है आपका आयरिस के एक्शन से होता है। देखिए द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। जो आई लेंस होता है वो किसका बना होता है, फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल होता है। इट इज कर्वेचर एंड इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाई द सीलियरी मसल्स। ठीक है, सीलियरी जो मसल्स होती हैं आई, देखिए फिर से देखिए, जो हमारा आई लेंस होता है इज कम्पोज बाई फाइब्रस एंड जेली लाइक मटीरियल। ठीक है, इसका कर्वेचर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, सीलियरी मसल्स के उससे। ठीक है, हमारा जो सीलियरी मसल्स होता है उससे हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आई लेंस के हम कर्वेचर में चेंज कर देते हैं, उसको उसका कर्वेचर जो है कम कर दे, कर्वेचर मतलब ये होता कोई चीज़ कर्व्ड हो, ठीक है ना, कर्वेचर में अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। व्हेन द मसल आर रिलैक्स लेंस बिकम्स थिन। ठीक है, जब मसल्स रिलैक्स होंगी लेंस जो है पतली होंगी, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, जब हमारी जो जो आपकी ये देखिए इसमें दस द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, क्यों, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, हम दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाएंगे, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है उस टाइम। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आईज द सील, जो अगर हम कोई चीज़ देखिए, जैसे मैंने बताया अपना पाम आप अपनी हथेली बिल्कुल आँख के पास ले जाइए, आपका आँख आपने फैला भी दिया, अपनी आँख को बड़ा कर लेते हैं आप और फैला देते हैं, क्यों फैलाते हैं, आपकी आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन वहां पे जो है सीलरी, जो सीलरी मसल्स होंगे, देखिए सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सीलरी मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. ठीक है, कर्वेचर जो है हमारे सीलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, हमारा जो कर्वेचर होगा इन जो आई का लेंस का वो बढ़ जाएगा. दस द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, आई लेंस थिकर हो जाएगी. ठीक है, तो ये पूरा फेनोमेना होता है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इफ द लेंस पावर ऑफ ग्लास इज प्लस टू डायोप्टर. ठीक है, जो लेंस के पावर है ग्लास का वो दो डायोप्टर का है, प्लस टू डायोप्टर का है, इट्स फोकल लेंथ विल बी. तो फोकल लेंथ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा. कैसे निकालेंगे देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है, पी इज इक्वल टू 1/f होता है. ठीक है, पी इज इक्वल टू 1/f होता है, एफ हमारा फोकल लेंथ है और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, आप जानते हैं. तो एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 100/p. ठीक है, पी का आपका क्या है, 2 दिया हुआ है, प्लस 2 दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ प्लस 2 डायोप्टर. ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 100/2, 50 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, ऐसे ही कोई भी दिया रहेगा तो आप उसमें जो है रख के आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या होना चाहिए, पी इज इक्वल टू 1/f. 1 इज क्या होता है, 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर कर लीजिएगा और इसके बाद फिर पुट कर दीजिएगा. ठीक है, पावर ऑफ सनग्लास इज, ठीक है, पावर ऑफ सनग्लास क्या होता है, 0 डायोप्टर. ठीक है, पावर ऑफ सनग्लास 0 डायोप्टर. सनग्लास में कहाँ पावर होता है, ठीक है, 0 होता है. द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन. ठीक है, तो मेजर कैसे करते हैं, ये बहुत एग्जाम में आता है, जो पावर ऑफ लेंस होता है वो डायोप्टर में मेजर किया जाता है. किसमें, डायोप्टर में. डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंसेज. द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द, देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंस इन मीटर्स, यानी कि डी इज इक्वल टू 1/f होता है. डी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड ऑफ अ कैमरा विल अलाउ द मैक्सिमम एक्सपोजर. तो ये पूछ रहा है कौन सा जो है आपका अपर्चर और शटर की स्पीड होगी जिससे मैक्सिमम एक्सपोजर मिल पाएगा किसी कैमरे के लिए. तो ये जो है आपका, अब इसमें ये क्लियर नहीं है, जस्ट अ सेकेंड. तो देखिए ये होगा F 22 1/60. ठीक है, F 22 1/60 होगा, तो ये जो है हमारा क्लियर विजन, क्लियर जो है होगा. ठीक है, एक्सपोजर. अब नेक्स्ट हमारा है, रेटिना ऑफ आई इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा. ठीक है, ट्रेडिशनल कैमरा की कौन से पार्ट से जो है हमारा रेटिना ऑफ आई जो कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम किससे कर सकते हैं, फिल्म से कर सकते हैं. तो क्या होगा देखिए, हाँ देखिए, इसमें बहुत स्टूडेंट्स हैं वो लेंस लगाते हैं, लेंस आता है इसमें, लेंस जो है लगता भी है देखने में एक बार, लेकिन अगर आप डीपली पढ़े हुए हैं तो वो फिल्म से रिलेटेड होता है. देखिए देखिए, बैक ऑफ आवर आई इज लाइन विद अ लेयर विच इज नोन एज द रेटिना. ठीक है, जो हमारी आई के पीछे एक लाइन होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं. रेटिना ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे टू द फिल्म इन साइड द, जो फिल्म होता है कैमरा में, जैसे ही वो जैसा वो काम करता है वैसे हमारी रेटिना काम करती है. द मिडिल पार्ट ऑफ द रेटिना, जो मिडिल पार्ट होता है रेटिना का, टेक्स केयर ऑफ योर शार्प विजन. ठीक है, मिडिल पार्ट जो है शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. योर रेटिनाज नर्व सेल्स चेंज लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ठीक है, तो रेटिना में जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व्स क्या होती है, हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं जो मैसेज को जो है ट्रांसफर करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट. ठीक है, तो नर्वस जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड होता है, अब इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे. तो नर्व्स जो होती हैं आईज में, वो जो है लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती हैं एंड देन सेंड्स देम टू ब्रेन. ठीक है, ब्रेन टू ऑप्टिक नर्व. तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है ब्रेन को वो जो है मैसेज पहुंचा देती है. तो क्या करती है रेटिना, रेटिना के जो नर्व्स होती है लाइट को जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती है और उस इम्पल्स को हमारे ब्रेन में पहुंचा देती है. ठीक है, ब्रेन के ऑप्टिक नर्व में. ह्यूमन आई इमेज इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट. ठीक है, ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स, कहाँ पे बनता है आँख जो इमेज होती है. तो देखिए इमेज जो है ह्यूमन आईज में कहाँ पे बनती है, देखिए ये बनती है रेटिना पे. द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आईज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जो आपका फोटोग्राफिक कैमरा होता है. द लाइट रेज ट्रेवल इन टू द जो कॉर्निया एंड रिफ्लेक्टेड बाई द कॉर्निया एंड लेंस. ठीक है, द नॉर्मल आई जो इमेज होता है वो फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो जो नॉर्मल आई होता है उसमें क्या होता है कि जो इमेज बनता है, इमेज जो बनता है वो
ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है, रेटिना में वो जाता है इमेज, और वो जो है हमारे नर्व्स के थ्रू जो है ब्रेन में, जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन में जो है वो पहुंचा देता है. और कहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, वेयर द डाटा प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, अगर इमेज उल्टा है जो भी है तो वो उसको राइट वे में करके हम उसको चीज़ों को परसीव कर लेते हैं, ठीक है. वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन ह्यूमन आई, कहाँ बनता है, ये रेटिना में बनता है, याद रखिएगा रेटिना में बनता है. लेकिन अगर पूछे कि ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट जो है कैमरे से कंपेयर करेंगे तो फिल्म को करेंगे, लेकिन इमेज कहाँ बनता है वो रेटिना में बताएंगे आप, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा है द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर, ड्यू टू द कलर इट क्या है, रिफ्लेक्ट्स. जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओपेक क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो कलर वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसी की वजह से वो ओपेक दिखते हैं. ये कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द कलर ऑफ द लाइट, ठीक है, दैट इट रिफ्लेक्ट्स बाय इट, जितना लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है उसी की वजह से वो कलर दिखता है. ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट पास द लाइट थ्रू इट, ठीक है. ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने लाइट को वो पास नहीं होने देते हैं, इट एब्जॉर्ब्स द पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स द अदर पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वो जाने देते हैं, इसलिए ओपेक दिखते हैं. कोई चीज़ होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है वो क्लियरली जो है जाने देती है लाइट को, इसलिए वो उस तरीके से दिखती है. कलर ऑफ कलर इन अ कलर टेलीविजन, ठीक है, जो कलर टेलीविजन है उसमें कलर्स जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बेसिक कलर्स. कौन से बेसिक कलर्स होते हैं तीन, ये रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं. कौन से होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, याद रखिएगा रेड और ग्रीन और ब्लू की वजह से जो कलर होता है वो जो है क्लियर होता है वहां पे, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब विच इज यूज्ड इन कलर टेलीविजन यूजेस थ्री डिफरेंट, कौन से तीन चीजें होती हैं, थ्री डिफरेंट फॉस्फोर्स विच इमिट रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट रिस्पेक्टिवली. तीन जो है लाइट इमर्स होती हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है. दे आर पैक टूगेदर इन स्ट्रिप्स और क्लस्टर कॉल्ड ट्राइब्स, ठीक है, वो एक दूसरे में जो है स्ट्रिप्ड होते हैं, वो एक साथ में स्ट्रिप्ड कर दिए जाते हैं. आपको मेनली जानना है कि कलर जो टीवी होती है इसमें तीन मेन कलर जिसकी वजह से कलर्स दिखते हैं, कौन कौन से, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. विच प्राइमरी कलर्स प्रोड्यूस डिफरेंट शेड्स ऑफ टीवी स्क्रीन, ठीक है, तो यही होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ए हो जाएगा आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. व्हेन द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट फॉल्स ऑन द सेम स्पॉट द कलर ऑफ द लाइट बिकम्स, तो वाइट हो जाएगा. अगर तीनों रेड ब्लू और ग्रीन को एक ही स्पॉट पे गिराते हैं तो वो वाइट कलर बन जाता है, ठीक है, वाइट कलर बन जाता है, ठीक है. अब एक बार मैं, हाँ देखिए, हाँ देखिए, रेड ग्रीन एंड ब्लू आर रिफ्लेक्टेड टू एज अ प्राइमरी कलर, रिफर्ड एज अ प्राइमरी कलर, उनको प्राइमरी कलर रिफर करते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, क्योंकि ये दोनों तीनों मिलकर वाइट कलर बना देते हैं, ठीक है. बिकॉज वी एड देम टूगेदर टू क्रिएट अ कलर वी कॉल देम एडिटिव कलर्स, ठीक है, हम इनको एडिटिव कलर्स बोलते हैं, क्योंकि जो है कुछ कलर्स जो है उनको मिला के हम कुछ और कलर बना देते हैं, तो एडिटिव कलर्स होते हैं. काइन, मजेंटा एंड येलो आर कॉल्ड द सब्सट्रैक्टिव कलर बिकॉज वी क्रिएट कलर्स बाय यूजिंग देम टू सब्सट्रैक्ट कलर्स फ्रॉम द वाइट कलर, ठीक है, तो हम वाइट कलर से निकाल के इन कलर्स को बनाते हैं, इसलिए जो है इसको हम कहते हैं कि क्या, कौन से कलर, सब्सट्रैक्टिव कलर्स हैं, कौन से, काइन, मजेंटा एंड येलो. इफ वी एड द पेयर ऑफ प्राइमरी कलर्स और सब्सट्रैक्टिव कलर्स वी ऑब्टेन वाइट कलर, ठीक है, तो अगर हम जो है पेयर जो होते हैं, इफ वी एड द पेयर ऑफ प्राइमरी कलर्स और सब्सट्रैक्टिव कलर्स, उनको हम ऐड कर दें तो हम वाइट कलर हमें मिल जाएगा, ठीक है. विच इज नॉट द प्राइमरी कलर, कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, तो प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है आपका, ब्लैक नहीं है, येलो आपका, रेड और ब्लू है, लेकिन ब्लैक प्राइमरी कलर नहीं है. थ्री कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स, कौन कौन से होते हैं, बी आपका ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है द नंबर ऑफ कलर्स कंटेन इन अ सनलाइट, कितने कलर होते हैं, तो देखिए इसमें 7 कलर्स होते हैं, तभी तो रेनबो बनता है. एज वी नो दैट द सनलाइट इज अ वाइट लाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, स्प्लिटिंग द लाइट इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, वेबग्योर में हम अगर जिसमें जो है कॉम्पोनेंट में उनको डिवाइड कर दें, जैसे वायलेट जो है, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो तीन ही होते, कोई ऑप्शन में होगा अगर नहीं दे रहा तो गलत है, येलो भी ऑप्शन में था लेकिन वो सही नहीं था, ठीक है, ब्लैक नहीं है, वो कौन कौन सा है, ब्लू ग्रीन एंड रेड, यही प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्रिज्म इज यूज टू डिस्पर्स लाइट इन टू द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है फाइंड आउट द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है, ऑड कलर हमें हटाना है। तो पहले हम देख लें प्राइमरी कौन सा है, रेड ग्रीन और आपका रेड ग्रीन और येलो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ब्राउन जो है वो हम हटा सकते हैं, देखिए ब्राउन कलर इज ऑड कलर, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेबग्योर, वेबग्योर में ब्राउन कलर कहीं होता नहीं है, ठीक है। तो दो प्राइमरी कलर हो गए आपका, एक येलो हो गया, ब्राउन होता नहीं है। एज वी नो दैट वाइट वाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ द सेवन कलर्स, जो सात कलर हैं आप जानते हैं, दस ब्राउन डज नॉट बिलोंग टू द दिस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना, कौन सा साइज ऑफ द सन एट डस्क, ठीक है, डस्क के टाइम पे सन की साइज कैसी होती है, कलर ऑफ द सन एट डॉन, ठीक है, डॉन के टाइम पे कलर कैसा होता है सन का, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड पोल जो स्टार होता है, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, ये सब क्यों होता है ये सब पूछ रहा है। और अभी जो है कौन सा जो है ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन कौन सा है, देखिए सी है आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4 ऑप्टिकल इल्यूजन है। देख लेते हैं, 1 यानी कि आपका साइज जो है सन का, 2 कलर ऑफ और 4 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, डस्ट पार्टिकल की वजह से उस तरीके से वो ट्विंकलिंग दिखते हैं, ठीक है ना। अब जो है आपका जो सनलाइट है एट डस्क वो भी हमारा इल्यूजन है, कलर ऑफ सन एट डॉन वो भी इल्यूजन है, लेकिन जो है मून बीइंग विजिबल एट डॉन और पोल स्टार बीइंग विजिबल एट स्काई ये इल्यूजन नहीं है। तो ये आपका हो गया, हाँ 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4, ठीक है। देखिए द साइज ऑफ द सन एट डस्क इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, द सन अपीयर्स स्मॉलर ड्यूरिंग द नून, ठीक है, दोपहर में छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत तेज चमकता हुआ, लेकिन अगर सुबह और शाम को देखें तो रेड कलर का दिखता है वो, बट लॉन्गर एट द डॉन एंड मोर क्लियरली एट डस्क, ठीक है, एट डॉन द सन इज सीन with other objects on the horizon and looks big, the color of the sun at dawn is also optical illusion, ठीक है, एकदम से red से दिखता है ना हमें light red, और देखने में बहुत अच्छा भी लगता है तो लोग देखते भी हैं ना डूबता हुआ या उगता हुआ सूरज। Finally, twinkling of the star is an optical illusion caused by the refraction of light while moving through the various layers of atmosphere. Atmosphere की जो बहुत सारी layers होती हैं उनसे जो है क्या होती है ये मूव करती हुई लाइट होती है, रिफ्रैक्ट होती है डस्ट पार्टिकल की वजह से जो एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से जो है वो ट्विंकलिंग होता है, स्टार जो है ट्विंकलिंग दिखते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम थर्मोडायनामिक्स कवर करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो लाइट का पोर्शन था हमने यहीं पर कवर कर लिया, इसको आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, और बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा। और कुछ जो है और पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको जो है देख लूँगी, कवर करा लूँगी, हालांकि मोस्टली हमने कवर कर लिया है, शायद कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें नहीं दी हुई हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें हम जो है उसमें कवर कर लेंगे। ह्यूमन आई हमने कर ही लिया है, अब ह्यूमन आई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो फिगर के साथ ही हो पाएगा, जो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएंगी अभी, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं, तो उसको हम कर लेंगे जब हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। अभी आपको जो है जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए ये सफिशियंट है, ठीक है, सफिशियंट है ये। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज, ठीक है, तो लेंसेज से इमेज कहाँ पे कौन सी बनती है, इन्फिनिटी पे जो है बनती है, फोकस पे, ठीक है, साइज ऑफ इमेज कितनी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ये सारी कुछ चीज़ें इसमें दी नहीं हुई हैं, ये मैं जो है अलग से जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं जो है 3-4 क्लास लूँगी जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कवर करा दी जाएंगी, जो भी चीज़ें छूट रही होंगी जो इसमें नहीं है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।